हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अन्वेशास क्रिएटिविटी। अन्वेशास क्रिएटिविटी के सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे। और दिन का टाइम होता है मेरा मी टाइम, जिस टाइम पर मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ घर के कामों से। और ये टाइम मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने लिए कुछ करना चाहिए। अब ऐसे में सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, किसी को सोना पसंद है, किसी को टीवी देखना पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। मुझे कुछ ऐसा प्रोडक्टिव करना पसंद है क्योंकि मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का काफ़ी शौक है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि घर में कुछ ऐसे काम करती रहूँ जिससे कि मुझे लगे कि हाँ, आज मैंने कुछ नया किया या कुछ नया सीखा या कुछ नया सिखाया। क्योंकि कई बार चीज़ें ऐसी होती है ना कि हम बनाते हैं और वो एग्जैक्ट हमसे नहीं बनती, लेकिन क्या होता है ना, उससे भी हमें कुछ ना कुछ तजुर्बा ज़रूर मिलता है। तो आप भी प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए, कुछ ना कुछ तजुर्बा ज़रूर मिलेगा। और ये सीखी हुई चीज़ें ना कभी भी कहीं ना कहीं काम में आ ही जाती हैं। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ अपने घर को सजाने के लिए दो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नए यूनिक और ट्रेंडी DIY, जो आप देखेंगे आने वाले वीडियोस में मेरे कि मैं कहाँ पर और किस तरीके से इन DIY को यूज़ करूँगी। तो आज मैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी, लेकिन बहुत ही डिफरेंट और यूनिक से DIY आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ, जो कि आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बहुत कम सामान के साथ में बना सकते हैं। जो सामान भी मैं यूज़ करूँगी वो अक्सर हमारे घरों में ही होता है। और जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरे पास है ऊन, तो ऊन से बनाने वाली हूँ मैं दोनों ही DIY। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, एक रिमाइंडर दूं आपको कि चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर ले विद बेल बटन, इसी टाइप के वीडियो आगे भी देखने के लिए। और नोटिफिकेशन बेल जब प्रेस करेंगे तो उस पर ऑल पर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर 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 करें। और बताइएगा कमेंट करके कि आपको दोनों में से कौन सा वाला DIY ज़्यादा पसंद आया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने ली है ग्रीन कलर की ऊन। आप जो भी कलर आपको पसंद हो वो ऊन ले सकते हैं। तो ऊन को सिंपली जस्ट मैं नाप करके, मतलब आपको जितनी भी लेंथ रखनी है उसी लेंथ का नाप करके चार से पाँच बार, छः बार या सात बार, जितना भी आपको थिक चाहिए ये DIY, तो उतना आप फोल्ड कर लीजिए। और मैंने इस तरीके से देखिए कुछ करके रखे हैं, तो एक ही बराबर के साइज़ के होने चाहिए ऊन की जो लंबाई है, जो हमें इस टाइप से मैंने 5-5, 6-6 बार फोल्ड किया है। काउंटिंग नहीं की है, आप चाहें तो काउंटिंग कर लें कि आपको 6-6 बार लपेटना है। और उसमें इस तरीके से लपेटने के बाद में क्या करना है, एक साइड में सिरा आ जाएगा, तो सिरे के साइड में हमें कट करना है क्योंकि यहाँ पर कटिंग वाली ऊन है, और दूसरे साइड में आपको कोई भी कटिंग वाली ऊन नहीं दिखेगी। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से लंबाई में हमारे पास बन के आ गया है। और इसी तरीके से आपको 7-8 कम से कम बनाने हैं। और मैंने लिया है इस तरीके से, एक प्लास्टिक का पाइप था मेरे पास तो मैं उसके ऊपर लगा रही हूँ। आपके पास अगर प्लास्टिक का पाइप ना हो तो आप इसकी जगह लकड़ी लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी और बिल्कुल डिफरेंट सा आपका DIY बन करके तैयार होगा। और ये मैं कर रही हूँ बोहेमियन स्टाइल DIY दोनों ही। तो करना क्या है, एक सिरे के जो लूप हैं उनको, लूप्स को हमें एक साथ हाथ में पकड़ते हुए ये हमारा पाइप या जो आप लकड़ी लेते हैं उसके पीछे से निकालिए और एक नॉट लगा देनी है। तो नॉट लगाते जाएंगे तो ये देखिए इस तरीके से हमने लिया और इस तरीके से लूप में निकाल करके नॉट को नीचे के साइड में खींच लिया है। तो आपको जितना भी थिक रखना है और जितना ब्रॉड रखना है आप उतने लूप्स लगाते जाइए। और ये लगने के बाद में कुछ इस तरीके से लग रहा है। और अब आप इसको कट कर सकते हैं, चाहे वी शेप में चाहे यू शेप में, जैसा भी आपको डिज़ाइन ज़्यादा पसंद है आप उस तरीके से कट कर सकते हैं। लेकिन कट करने से पहले मैं क्या कर रही हूँ, इसमें ग्रीन कलर की वूल मैं लगा रही हूँ हैंग करने के लिए। और ग्रीन कलर का मैंने क्यों बनाया है वो आपको आगे आने वाले वीडियोस में पता चलेगा।
और ये जो है वाइट कलर का भी बना सकते हैं, वैसे तो बोहेमियन वाइट कलर में ज़्यादा अच्छा लगता है। आप जूट रोप से भी बना सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। और मेरे पास ये लकड़ी के बीड्स पड़े हुए थे, तो मैंने क्या किया है, एक साइड में तो धागे को मैंने उसमें बांध दिया है अपने पाइप में, और अब लिया है मैंने पहले एक पर्ल बीड लिया है, एक ये वुडन बीड लिया है, उसके बाद में फिर से एक पर्ल बीड लिया है और एक रेड कलर का मैंने बीड लिया है। आप ऑप्शनल है ये, अगर करना चाहें तो कर लीजिए, मेरे पास पड़े हुए थे इसीलिए मैं इनको यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो एक ही कलर के भी यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो आप डिफरेंट डिफरेंट कलर के यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अभी ये बांध दिया है और थोड़े से टैंगल हो जाता है इसमें, तो करना क्या है, किसी भी कोम से लेकर के अगर आप इसको मोटे साइड से कोम करेंगे ना, तो ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट हो गया है और जितने भी टैंगल थे वो निकल जाएंगे। और अब मैं इसको कट कर रही हूँ वी शेप में, आप अगर यू शेप में कट करना चाहें या जैसा भी आपको पसंद आए आप उस साइड से कट कर सकते हैं। और इस तरीके से मैं इसको कट करके और बन जाएगा मेरा एक बोहेमियन स्टाइल वॉल हैंगिंग डेकोर, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और बहुत ही ज़्यादा सुपर इजी है इसको बनाना। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, वाइट कलर की ऊन से बना सकते हैं आप, या फिर आपको कलरफुल पसंद है तो आप कलरफुल बना सकते हैं। मुझे ग्रीन कलर पसंद था तो मैंने ग्रीन कलर बना लिया। और ये देखिए बनने के बाद में कुछ इस तरीके से लग रहा है, और हैंग करने के बाद में तो ये बिल्कुल रेडीमेड लग रहा था। और ये देखिए आपको पास से इसका लुक दे रही हूँ। और मैंने ऊपर के साइड में नॉट लगा दी थी रेड वाले मोती के पास में, यानी कि रेड वाला जो बीट था। अच्छा, दूसरे डेकोर के डेकोर हैंगिंग बना रही हूँ वो भी, उसके लिए भी मैंने ग्रीन कलर की ही वूल ली है और लिया है ये एम्ब्रॉयडरी वाला फ्रेम। तो एम्ब्रॉयडरी वाले फ्रेम जो होता है वो दो पीस में आता है, तो एक फ्रेम आता है ऊपर लगाने वाला और एक फ्रेम आता है नीचे लगाने वाला। मैं नीचे लगाने वाले फ्रेम में भी इसी तरीके से हैंग करने के लिए कुछ लूप्स में वो थ्रेड को लंबा लटका नहीं कर, जैसे हमने पहले वाले में बनाया था, सेम एज इट इज़ बनाऊंगी और इस रिंग के अंदर उनको नॉट लगाऊंगी। तो आप चाहें तो ऊपर वाले फ्रेम में भी लगा सकते हैं, मैंने नीचे वाले में लगाया है, और सेम ऐसे ही हमें थ्रेड को बनाना है। आप चाहें तो इसको हैवी लुक देने के लिए ज़्यादा धागे लटका सकते हैं, और अगर आप हल्का इसको लुक देना चाहते हैं तो आप कम भी लटका सकते हैं। आप चाहें तो इसकी जगह आप फेदर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, फेदर का यूज़ करने में भी ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो मैं कम से कम 5 से 6 इस तरीके से धागे के लूप्स बना करके इसमें लगा दूंगी, और आप यकीन माने ये बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत आसानी से बन जाता है, इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन देखने में उतना ही सुंदर लगेगा। तो ये देखिए मैंने कुछ जो वूल थे वो मैंने लगा लिए हैं, और अब मैंने लिया है इस टाइप का, मेरे पास एक कवर था जो कि टेबल कवर जो होता है, नेट का पीस पड़ा हुआ था, ये बहुत पुराना है, डिस्कार्ड करने वाली थी, फिर मुझे याद आया कि मैं इसको डिस्कार्ड करने से पहले इसमें यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो कोई नेट का दुपट्टा वगैरह भी ले सकते हैं। तो मैंने ये ऊपर के साइड में इसको इस तरीके से लगा दिया है, और अब ये साइड से मैं कट कर लूँगी। कट करने के बाद में ये जो साइड का जो कपड़ा बचा है इसको मैं सुई और धागे की हेल्प से स्टिच कर लूँगी अंदर के साइड में, जिससे कि ये जितना भी एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है ये बिल्कुल भी विजिबल ना हो बाहर के साइड में, क्योंकि विजिबल होगा तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। आप चाहें तो फैब्रिक ग्लू की हेल्प से भी इसको कर सकते हैं, बट मुझे था कि ये ग्लू से चिपकाऊंगी तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा ड्राई होने में, इसलिए मैंने इसको सुई और धागे की हेल्प से इस तरीके से करते हुए अंदर के साइड में स्टिच कर लिया। और उसके बाद में ये जो था हमारा, ये देखिए इस तरीके से मैं इसको स्टिच कर रही हूँ, और ये भी 5-7 मिनट में हमारा काम हो जाता है, बहुत ही आसान है इसको इस तरीके से बनाना। और मैं इसके अंदर लाइट्स भी लगाऊंगी, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था ये बनने के बाद में, मैंने जो इसको बना करके लगाया और जो इसका आउटपुट आया वो देख करके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इतनी जल्दी बन गया ये DIY और इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था, और वो भी बिना किसी बाहर से सामान ला करके, मतलब जो भी सामान हमें चाहिए था वो मेरे घर में ही पड़ा हुआ था। और जो मैंने वूल लगाई है इसमें ग्रीन कलर की, ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, अगर आप ना चाहें तो ना लगाएं। और इसके अगर वूल के नीचे अगर आप चाहें ना तो थोड़े थोड़े से बीड्स भी बांध सकते हैं तो अच्छे लगेंगे। तो ये देखिए ये मेरा बिल्कुल
स्टिच कर दिया है मैंने चारों तरफ से यहाँ पर साइड साइड से। और अब मैं कर रही हूँ इसके बीच में एक छोटा सा फ्लावर बना रही हूँ। फ्लावर बना करके मैंने इसके ऊपर लगाई है ये फ्लोरल लाइट जो कि मेरे पास पड़ी हुई थी, और थोड़े से लगाए मैंने पॉम पॉम साइड में, और लगा दिया यहाँ पे एक आर्टिफिशियल लीव्स थी मेरे पास, वो भी मैंने सुई और धागे की हेल्प से स्टिच कर दिया। आप चाहें और ये देखिए ये जो लाइट थी इसको भी मैंने थोड़ा थोड़ा सा सुई धागे की हेल्प से इसको सिक्योर कर दिया है, जिससे कि ये चारों कोनों कोनों पे ही लगे और ख़राब ना लगे। दिन में भी अगर हम इसमें लाइट ना जलाएं तो ये ऐसे भी सुंदर लगे, इसीलिए मैंने इसको सुई धागे की हेल्प से सिक्योर किया है जो हमारी लाइट है इसको। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा वाला DIY ज़्यादा अच्छा लगा। जल्दी ही मिलूंगी एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके साथ में फिर से। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी क्रिएटिव एंड बी सेफ।